सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक्स, और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने इस चैनल पे। और अब हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास इंग्लिश का एक और न्यू चैप्टर। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपने जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है वो चेक नहीं किया है तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द चेक कर लें और अपना 9th क्लास इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको 9th क्लास इंग्लिश के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हमारे से जल्द नोट्स ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो गाइज, आपने सोचा होगा कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में इस कदर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं कि हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई बार तो हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए बनी है और हमारी किस्मत में ही ये लिखा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे इस चैप्टर में द एक्सीडेंटल टूरिस्ट के अंदर जो बिल ब्रिसन इस चैप्टर का राइटर है वो हमारे को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि किस तरीके से एज अ टूरिस्ट उसके साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तो गाइस, फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बिल ब्रिसन वॉज अ फ्रिक्वेंट एयर ट्रैवलर, मतलब जो बिल ब्रिसन है वो एक फ्रिक्वेंट एयर ट्रैवलर होता है और वो कहीं ना कहीं देखता है कि किस तरीके से उसके जो ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस हैं वो ख़राब हो रहे हैं। वो अपने लेसन में डिस्क्राइब करता है, जो ऑथर है वो डिस्क्राइब करता है अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को, और वो बताता है कि एक बार जब वो इंग्लैंड जा रहा था तो उस टाइम पे उसके पास एक कैरी ऑन बैग था। नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्रबल स्टार्ट तब होता है जब एयरपोर्ट पे उसे चेकिंग स्टाफ जो है वो बोलता है अपना बैग ओपन करने के लिए। हालांकि बैग ओपन करने के लिए यहाँ पे मेंशन है, लेकिन स्टिल इसमें एक रीज़न ये भी गिवन था कि उसे एक फ्रिक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम जो उसका होता है उसमें अपने कार्ड में कुछ पॉइंट्स ऐड कराने होते हैं जिसके लिए वो बैग खोलने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो जिप को खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो उसकी जिप जो है वो जैम हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाता है, काफ़ी ज़्यादा उसे वो पुल करता है, लेकिन वो जिप जो थी वो ओपन नहीं हो रही थी। जब वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड तरीके से इसको फोर्स लगाते हुए ओपन करने की कोशिश करता है तो उसकी जो पूरी की पूरी जिप है वो बाहर ही निकल जाती है और उसका सारा सामान जो है वो बाहर की तरफ गिर जाता है, जैसे न्यूज़पेपर कटिंग, अदर डॉक्यूमेंट्स, टिन ऑफ पाइप, टोबैको एंड मैगजीन्स, पासपोर्ट, कॉइन्स, ये सारी की सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा अगर दुख उसे किसी चीज़ का हुआ था तो उसके तम्बाकू टोबैको का हुआ था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लैंड में तम्बाकू बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, देन ही डिस्क्राइब्स इज अनदर एक्सपीरियंस। फिर वो अपने अगले एक्सपीरियंस के बारे में हमारे को बताता है। वो कहता है कि एक बार एरोप्लेन के अंदर वो अपने शू लेसेस को टाई करने के लिए जब नीचे की तरफ झुक रहा था तो इतने में आगे वाला जो बंदा है वो पूरे तरीके से अपनी चेयर को रिक्लाइन कर देता है। देखा है ना, अपने चेयर के पीछे हम अपने आप को रिक्लाइन पीछे की तरफ कर देते हैं, तो वो नीचे की तरफ था, आगे वाले बंदे ने जब ऐसे करके रिक्लाइन पूरी करी होगी तो वो नीचे की तरफ ही दब गया और फिर आगे वाले बंदे के दोनों जो पैर थे उसके बीच में से निकलते हुए बाहर की तरफ आया तो क्रैशिंग पोजिशन में आ गया वो, और फिर वो क्रॉल करते हुए वहां से निकल के आया। नेक्स्ट पैराग्राफ, एक दूसरे ओकेशन के बारे में उसने बताया है जब उसने एक लेडी जो उसके साथ में बैठी होती है उसके ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी थी, और जब जो एयर हॉस्टेस है वो एक और रिप्लेसमेंट ड्रिंक लेके आती है तो वो भी उसने उसी के ऊपर गिरा दी थी, जो कि उसका वर्स्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि किसी और के साथ आप उसको ट्रबल में इन्वॉल्व कर लेते हो तो कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात है। ही सेज दैट इज वर्स्ट एक्सपीरियंस टुक प्लेस ऑन अ प्लेन फ्लाइट, ही सेज दैट ही वॉज राइटिंग समथिंग। और एक और एक्सपीरियंस था फ्लाइट पे जब वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था और उसने एक अट्रैक्टिव यंग लेडी से बातचीत करने की कोशिश की जो उसके साथ में बैठी थी, तो वो पेन की जो ऊपर का टॉप होता है उसको सक करते हुए कुछ लिख रहा था। 20 मिनट्स के बाद जब वो लेविट्री में गया, वॉशरूम में गया, तो उसने देखा कि उसकी जो पेन की इंक है वो उसके मुंह में लीक हो चुकी है और उसके जो गम्स हैं, उसके जो टीथ हैं वो नेवी ब्लू हो चुके हैं, और एंड वुड रिमेन सो फार सेवरल डेज, और ऐसा ही रहता है कुछ दिनों तक। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है गाइस, डिस्पाइट बीइंग अ फ्रिक्वेंट फ्लायर ही नेवर गॉट एनी एयर कार्ड। अब ध्यान रखना कि वो एक आइलैंड है जिसका नाम है बाली, जहाँ पे वो जाना चाहता है, जिसके लिए उसे अपने फ्रिक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम जिसमें वो ट्रैवलिंग करते रहता है बार बार, तो वो अपने एक कार्ड में अपने पॉइंट्स ऐड कराता है ट्रैवलिंग के, लेकिन वो ये कहता है कि उस कार्ड के अंदर वो ज़्यादा पॉइंट्स ऐड नहीं करा पाया है। हालांकि उसे बाली आइलैंड जाना है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स ऐड कराने के बाद, और वो उससे कहीं ज़्यादा ट्रैवल कर चुका है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऐड नहीं करा पाया क्योंकि हर बार वो अपने पॉइंट्स ऐड कराना भूल जाता है। और वो ये कहता है कि मैं लगभग 1 लाख माइल्स ट्रैवल कर चुका हूँ, 1 लाख माइल्स ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अभी तक लगभग 115-120 माइल्स ही, आई थिंक बुक में गिवन है, एक बार लास्ट में आप कंफर्म भी कर लेना कि इतने ही मैं ऐड करा चुका हूँ। तो एक बार तो उसे याद भी होता है जब वो ऐड कराने के लिए जाता है तो एक एक्सपीरियंस और है कि उसका जो टिकट होता है वो बी ब्रिसन के नाम से होता है और जो उसका कार्ड होता है वो डब्ल्यू ब्रिसन के नाम से होता है, जिसकी वजह से उसके पॉइंट्स ऐड नहीं हो पाते क्योंकि उसका टिकट और कार्ड का नाम मैच नहीं हो रहा होता, लेकिन उसका पूरा नाम डब्ल्यू बी ब्रिसन होता है, दैट इज़ विलियम बिल ब्रिसन।
तो इस तरीके से उसके साथ एक और ट्रेजेडी हो जाती है। तो गाइज आई होप आप लोग इस चैप्टर को समझे होगे, और अगर आप इस चैप्टर को समझे हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो, इस पर कमेंट ज़रूर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज हमारे को सपोर्ट ज़रूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और हमारे चैनल को लिटरेचर का नंबर वन चैनल ज़रूर बनाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।